बुधवार को मंडी जिला की नेचौक परिषद के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। बल एसटीएम सिद्धार्थ आचार्य ने नेचौक नगर परिषद की अध्यक्षा और उपाध्यक्षा को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। बुधवार को मंडी जिला की नेचौक नगर परिषद सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में बल एसटीएम सिद्धार्थ आचार्य ने लता कुमारी को अध्यक्ष व चेत सिंह ठाकुर को उपाध्यक्ष पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर बल एसटीएम सिद्धार्थ आचार्य ने कहा कि नव निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलाई गई है और इस तरह से नेचौक नगर परिषद का स्वरूप पूर्ण हो गया है। आज 26 अप्रैल नगर परिषद नेचौक के नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनको आज भारत के संविधान के प्रति शपथ दिलाई गई और अब नेचौक नगर परिषद का जो स्वरूप है वो पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका है। शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात नगर परिषद के सभागार में अध्यक्षा लता कुमारी की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया और मीटिंग में 11 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। वहीं अध्यक्षा लता कुमारी और उपाध्यक्ष चेत सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है और वे सभी पार्षदों के साथ मिलकर नेचौक के विकास के लिए कार्य करेंगे। और आज मैंने शपथ ग्रहण की है और मैं शपथ एसडीएम सिद्धार्थ जी ने दी है और हमारी आज बैठक भी हुई है, इसमें चर्चा भी थोड़ी हो चुकी है और हमने एजेंडे भी नियुक्त किए हैं और हम काम सफलता से करेंगे। मैंने आज उपाध्यक्ष पद के लिए शपथ ली और एसडीएम सिद्धार्थ आचार्य ने आज शपथ दिलाई। इसके बाद जो भी काम होगा हम 11 के 11 पार्षद मिलकर करेंगे और कुछ एक काम हमने आज डाले हुए प्रस्ताव में उनको पूरा करने के बाद आगे के काम और किए जाएंगे और डाले जाएंगे। वहीं नेचौक नगर परिषद के रत्ती वार्ड के पार्षद रजनीश सोनी ने कहा कि मीटिंग में नेचौक के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान यह तय किया गया कि सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, साथ ही पार्कों का निर्माण भी किया जाएगा। जनरल हाउस जो पहला जनरल हाउस जो पिछले 1.5 साल से जो अटका पड़ा था कोरम ना पूरा होने के कारण, वो आज पहला जनरल हाउस हमारा यहाँ पे तय किया गया, जिसमें कुछ एजेंडे हमने रखे गए थे जैसे कि कुछ कई जगह के रोड्स या जो हमारी पूर्व में पंचायत जितनी भी 6 पंचायतें थी उनकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को डीसी के माननीय डीसी महोदय के ऑर्डर के तहत हमने वो प्रॉपर्टी को अपने हमारे नाम हो चुकी है। उस प्रॉपर्टी के जो भी चल अचल संपत्ति है उसको उसका जितना भी किराया वगैरह और जो भी दुकानें या पार्क या जो भी स्ट्रीट लाइटों का एजेंडा हमने आज फिक्स किया कि हर वार्ड में स्ट्रीट लाइटें होंगी, हर वार्ड में मतलब कुछ पार्क बनाए जाएंगे जहाँ पे पंचायत की दुकानें जो अब नगर परिषद के नाम होगी वहाँ पे हम दुकानों का निर्माण करेगा ताकि हम अपना नगर परिषद नेचौक जो है वो अपने मतलब अपनी जो आय जो है अपनी वो एकत्रित कर सके और जिससे हमारी आय इकट्ठी होगी उससे हम जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हैं विकासपथ कार्य हैं वो किए जाएंगे और इस पर हम 11 के 11 पार्षद एकजुट होकर सभी मिलकर कार्य करेंगे। हमने कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो भी बजट आएगा उसको हम बटा 11 की स्कीम से मतलब एक बटा 11 जो भी बजट आएगा बटा 11 वार्ड में वो एक बराबर डिवाइड किया जाएगा, कोई भेदभाव किसी भी वार्ड के साथ नहीं किया जाएगा। ज्ञात रहे कि नेचौक को नगर परिषद बनाने में सरकार व प्रशासन को कई समस्याओं से दो चार होना पड़ा था। कुछ लोग इसके समर्थन में थे तो कुछ नगर परिषद को दरकिनार कर रहे थे। फिलहाल अब नगर परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव कर उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।